गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी आज फाइनली 7 बजे से पहले पहले हम लोग उठ चुके हैं और जाएंगे हम लोग आज हिम हिमालयाज के लिए। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। द हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम माय साइड। एंड यू वोंट बिलीव बट ये सुबह 6 बज रहे हैं इस टाइम पे और अभी इतना ज़्यादा अंधेरा है। तो ऑलमोस्ट जितने मेंबर्स होंगे जो अभी आ रहे होंगे सबके सब मुझे बहुत गाली देने वाले कि भाई साहब अंधेरे में उठा दिया सबने। कोई नहीं, सीक डिस्कम्फर्ट एंड यू विल सी द मैजिक। तारे भी दिखाई दे रहे, देखो क्या यार। बाकी कुछ लोग हम इकट्ठा हो चुके हैं आज हेलिंग हमारा इसके लिए, तो बस तैयार है भाई, ऑलमोस्ट रेडी। तो हम लोगों ने कुछ ग्लव्स वगैरह भी लेके आए हैं, देखिए ग्लव्स, और सब ऑलमोस्ट तैयार ही हम लोग जाने के लिए। कुछ ग्रुप हमारे पास रेडी हुआ है। बिहाइंड द सीन्स। अरे बोल लो, तुम्हारी बोलती बंद हो गई। बोल रहा था कुछ। अंकुर चौहान कितने बजे उठा आज? मैं तो भाई उठ गया था 5:30। 5:30? ओह माय गॉड। बाकी सब क्या बात है भाई, ये बढ़िया। 3 बजे का उठा हुआ है ये, 3 बजे का भाई, फिर सो गया था तुम्हारा। इसमें कैमरा जूम मारो। बढ़िया, हाउ इज द जोश? आपने क्या बोला था सुना? मुझे बोला उन्होंने। अच्छा। बढ़िया। बाकी अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, उसके जाते हैं। अरे इसका है कि मर रहे तो ये बढ़िया। बहुत खुशी हो रही कि इस टाइम पे सनराइज भी हो चुका है और हम लोग करेंगे जल्दी सफाई शुरू। कहाँ से? डाइजर से। अपने सफाई शुरू कर दी है, क्या बात है भाई। यार दोबारा से यार। हेलो, क्या बात है यार। द बोटल्स पहले मिल चुकी हैं, पे मेरे को लग रहा है पहले राउंड यही हो जाएगा खत्म हमारा। चलो ये वो जो उठा के उधर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं इसमें भरते हैं एक जगह, यहां पे इकट्ठे कर दो। हां आते हुए लेके जाएंगे क्योंकि उल्टा ले जाना फिर वापस आना। ये है टिहरी शहर हमारा, यहाँ पे ये स्पॉट हम लोग सफाई करने वाले हैं आज। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे भैया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, टीम लेके आ गए हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग शरद भाई, क्या बात है। तो ये प्लेस जहाँ पे हम लोग आज क्लीन करने वाले हैं पूरा, इतना गंदा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। भैया तो शरद भाई को दे दो। आप इतने कबाड़ा में इकट्ठा कर दिया। कागज में तो उठाया। अरे अभी स्टार्ट ही कर रहा है काम अकेले, ये काम अकेले। अरे हमारे आशीष भैया कि कुरकुरे और ये गुटके उठके खा के अपने हिस्से का कबाड़ा अपने पास रखा करो। सही बात है। बोली 1000 रुपए की भी अपने पास रखा करो। बोलो यार।
यानी कि होता है रॉयल स्टैग के साथ। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए जब तुम अपने गाड़ियों से कबाड़ा बाहर फेंकते हो। देखो यार, खाने पीने का मन हमारा भी करता है, हम लोग सब खाते भी है, लेकिन और वापस ले जाते घर डस्टबिन में डालने के लिए कबाड़ा। फेंकना तो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए। गुटखा खा के, कुरकुरा खा के, सब से हम लोग शुरू करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ज्यादा क्या बोलूं, सबको पता है सफाई करनी चाहिए अपने हिस्से की। हाँ, सब लोग प्लीज अपने अपने हिस्से की सफाई जरूर करें, वो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है ना, अपने कबाड़ा फैलेगा ही नहीं। अरे वाह भाई, ये भी ले लो, इसको चाहिए। ये सही है, ले ले को ले एक स्टिक। सेवन है, सेवन लाए आज। सही है, सही है। दो बजे जहाँ तुम्हारा हाथ दे 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 जहाँ हाथ नहीं पहुँचा उसका प्लास्टिक हाथ ना पहले लाठी पहुँचे। तो फाइनली कुछ देर बाद हम लोगों ने सफाई भी की है, बाकी हम लोग सफाई कर ही रहे हैं तब से। और इतना सारा कूड़ा हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, ये पूरी टीम एफर्ट है। यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं सब लोगों ने मिलकर किए, जितना भी किया, तो इसी तरीके से हम लोग इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी देखो, व्यू देखोगे अगर आप तो आप खुश होगे। यहाँ से टीवी का व्यू बहुत बढ़िया। ठीक, और सामान आ गया, क्या बात है। तो यहाँ पे इतना सारा कूड़ा देखो नीचे फेंक रखा है। ये ब्रेस लाइन की बोतल ऐसे फेंक देते हैं। यस भाई साहब, पूरा नीचे तक वो नीचे थे, वो था नीचे से फैला भर के लाए। भाई साहब इतना सारा है वहाँ तो। बोतलें ही बोतलें, कांच की बोतलें और ये ब्रेस लाइन से सारा। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस हम इसको बोलते हैं, बट ये लोग ऐसे फेंक देते हैं इनको पहाड़ों में। सर मानी चाहिए उनको, जो इसको खाने के बाद इसको बाहर फेंक देते कहीं भी, उसको अपने पास रखे और डस्टबिन में डाले, इससे ही सारा कबाड़ा हो जाता है। ये तो खराब, ये तो गलता भी नहीं है, मतलब कि वो है डिकम्पोज भी नहीं होता है जल्दी से। हाँ। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कचरा किया है और फिर उसको डस्टबिन में ही डाला है। और एक ये इसको प्लीज इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता जल्दी से। प्यार करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सही में गौरव भाई चले गए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को सच सच में, जो धरती में जी रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं और प्रकृति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। सही में, देखो कितनी खूबसूरत जगह, खूबसूरत प्रकृति को इस तरह से गंदगी कर रहे हैं। सारी कांच की बोतलें, कुरकुरे के पैकेट, गुटखा और ये पानी की बोतलें, इतनी सारी चीज़ें डाल रखी है मैंने। कोई भी कहीं भी फेंक देता है, गैर जिम्मेदार लोग, बदतमीज। हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, बिट्टा बिट्टा पाखा पाखा स्वच्छ बनेगा ये भारत। अभी कैसा लग रहा है सफाई करके तुझे? गंदा गंदा। हाँ गंदा, और करना इसलिए प्रकृति का ख्याल रखें। बाकी इट वाज अ टीम एफर्ट, हम सब लोग सच में यार एक कोना साफ किया है उतना अंबार। YouTube की कसम तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। चलो भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से टीम। तो यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा भी हमें मदद की जा रही है, थैंक यू सो मच। भाई साहब ने इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया आज,
तो कैसा लगा वरुण? अच्छा लगा ना? मजा आया। भाभी आपको कैसा लगा? आपको बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? आपको मजा आया ना आज? आपको कैसा लगा शरद भाई? अरे बहुत बढ़िया। आपको? आपको भी बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छा। ये पूरी टीम हमारी, जितनी टीम आप देख रहे हो, बाकी ये भाई जी हैं, कैसा लगा भी आपको? बहुत बढ़िया। एफर्ट अच्छे थे ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई। बाकी कुछ भाई यहाँ पे हमारे साथ छमुंड से स्पेशली पहुँचे भाई जी, इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे। कैसा लगा करके? बहुत बढ़िया। सही है आपको? बहुत अच्छा। और ये गौरव चौहान जी जो फोन में बात कर रहे हैं, सलाम आपको। और ये लास्ट टीम जो लेके आ रही है सामान। तो फाइनली भारत का इरादा। वेल डन टीम, क्या हाल चला? कैसा लगा सफाई करके? बहुत अच्छा लगा भैया, बढ़िया एफर्ट था ना? मैं थोड़ा कम किया, मैं वीडियो बना रहा था, इन्होंने थोड़ा ज्यादा किया। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा। एक हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी हम लोग फ्री होंगे, जो भी नौजवान हैं, कोई भी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उत्तराखंड में अब तक ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश की तरफ चलाया जा रहा था, हीलिंग हिमालयाज का। इसके बारे में और डिटेल्स भी आपको बताते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने हमको ज्वाइन किया और इस एफर्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग लेके गए। और बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने अपनी नींद ख़राब करके सुबह सुबह हमारे साथ हमको ज्वाइन किया और सफाई में अपना योगदान दिया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगों ने हमको ज्वाइन किया। और बाकी लोग जिन्होंने ये वीडियोस देखा, प्लीज़ आप लोग भी नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नई टिहरी शहर में रहते हैं, आप लोग जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप लोग भी अपने शहर में इसी तरीके से कुछ कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं, जिसमें कि आप लोग सफाई कर सकते हैं अपने एक सभ्य नागरिक होने के नाते। बाकी बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारा काम करके। बाकी डॉक्टर कुकुर सर, थैंक यू सो मच जो आपने हमको एक गाइडेंस भी दी साथ में, बहुत अच्छा लगा कि आप भी साथ में आए, थैंक यू सो मच। प्यारे टीम मेम्बर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप सब लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों का भी ढेर सारा धन्यवाद। तो बोलते पहाड़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। और आप लोग कमेंट्स कीजिए ढेर सारे, सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन करना, ठीक है? आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, और जल्दी मुलाकात करेंगे हम लोग कल के दिन, यानी कि अगले दिन 9 बजे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है? तब तक के लिए मेरी तरफ से, यानी कि आशीष शौर्य की तरफ से, नमस्ते 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 नमस्ते। जय भारत, जय उत्तराखंड।